अक्सर आपने अपने बड़े बुजुर्गों को ये कहते देखा होगा कि घर से बाहर जाते समय किसी को भी पीछे से टोकना या फिर ये नहीं पूछना चाहिए कि कहाँ जा रहे हैं। युवा पीढ़ी इन बातों को नज़रअंदाज कर देती है और हंसकर बातों को टाल भी देती है। युवा पीढ़ी को लगता है कि क्या बेकार की बातें हैं, लेकिन हमारे पूर्वज इन बातों को बहुत ही अच्छी तरह से समझ पाए हैं। अपने जीवन में इस बात का अनुभव उनके पास है कि पीछे से टोकने से हमें क्या क्या नुकसान होता है, तभी तो आज हम इसका अनुकरण कर रहे हैं। पूर्वजों के समय से चला आ रहा है कि घर के बाहर जाते समय टोकना शुभ नहीं माना जाता है। आखिर ऐसा क्यों? आज मैं आपसे इसके पीछे का वैज्ञानिक और धार्मिक कारण दोनों ही शेयर करने वाली हूँ। हेलो दोस्तों, आप सभी का द डिवाइन सोल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस करें ताकि हमारे आने वाले हर लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आप तक तत्काल पहुंच सके। दोस्तों, जब हम किसी काम से घर से बाहर जा रहे होते हैं तो उस पर हमारा दिमाग पूरी तरह से उस काम को पूरा करने के बारे में सोचता रहता है। हमारा दिमाग उसी दिशा में आगे भी बढ़ने लगता है। भले ही हम दूसरे मुद्दों पर बात करते हैं, नाश्ता करते हैं, लेकिन दिमाग कहीं एक जगह टिका रहता है। ये एक ऐसा जोन होता है जहाँ दिमाग अलर्ट पॉइंट पर होता है। बाहर निकलते समय जब हम किसी को टोक देते हैं या फिर कोई हमें टोक देता है निकलते समय, तो पूरा ही दिमाग जो है असामान्य हो जाता है, असंतुलित हो जाता है, जिसके कारण कई लोगों को बहुत तेज गुस्सा आता है। अचानक से पीछे मुड़ते ही शरीर की दशा बदल जाती है। जो गति हमारा दिमाग उस काम के लिए लगा हुआ था, अब वो गति शरीर को पीछे मुड़ने और उस सवाल का जवाब देने में लगाना पड़ता है जिसके बारे में दिमाग तैयार नहीं होता। एक बार दिमाग के डिस्टर्ब होने से उस काम की सफलता कई गुना ज्यादा कम होने के चांस हो जाते हैं, यानी कि सफलता नहीं ही मिलने की चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं। कई मामले में तो लोगों का एक्सीडेंट हो जाता है, तो कई मामले में लोग उस काम को उस दिन कर ही नहीं पाते हैं। इसका एकमात्र कारण होता है कि दिमाग को उसकी गति और लक्ष्य से रोकना। यही कारण है कि धीरे धीरे ये एक मान्यता में बदल गई। अनुभव के आधार पर लोगों ने ये भी महसूस किया कि ऐसा करने पर काम सफल नहीं होते हैं, कुछ न कुछ रुकावट तो हो ही जाती है। दोस्तों, ये तो थी वैज्ञानिक कारण, लेकिन इसके पीछे एक और भी कारण है। कई बार हमारी ऊर्जा सकारात्मक होती है उस कार्य को करने के लिए, लेकिन सामने वाला व्यक्ति किस ऊर्जा के वशीभूत होकर आपको टोकने वाला है ये आपको पता नहीं होता है। ऐसे में उसके रोकने और टोकने से सकारात्मक ऊर्जा में बदलाव होता है। उस कार्य में रुकावट आती है, बाधा आती है, जो हमारे अंदर कंफ्यूजन क्रिएट करती है, और जिस भी कार्य के लिए हम निकल रहे होते हैं उसके सफल होने के चांसेस कम हो जाते हैं। अब इस बात को आप एक उदाहरण के तौर पर समझ सके। पानी के बहाव को ही आप देख लें, वो बहुत ही तेज होती है। बिना रुकावट वह बहुत ही तीव्र गति से अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रही होती है। अब आप बीच में कोई ऐसी वस्तु डाल दें जिससे पानी के बहाव में बाधा उत्पन्न हो जाए। पानी अपने लक्ष्य तक पहुंच तो जाएगी, लेकिन एक तो ये कि उसकी गति धीमी पड़ जाएगी, दूसरा ये कि अपने साथ दूसरी ऊर्जा को भी साथ लेकर आएगी जिसकी उसे आवश्यकता नहीं है। तीसरी ये है कि बाधित जो वस्तु होती है उसके कुछ हिस्से को ढोने के कारण पानी की बहाव की ऊर्जा बढ़ जाएगी। हमारे शरीर और मन की भी कुछ ऐसी ही स्थिति होती है। जब भी किसी कार्य को करने के लिए पूरी तरह से हम तैयार होते हैं, तब किसी के रोकने टोकने की वजह से हमें भी ये सब समस्याओं से होकर गुजरना पड़ता है। दोस्तों, मुझे उम्मीद है आज की ये जानकारी आप सभी को बहुत ही अधिक पसंद आई होंगी और आप सभी के बहुत ही काम आने वाली है। ऐसी और भी ढेरों जानकारी के लिए आप लगातार हमारे चैनल पर बने रहें। अगले वीडियो में एक नई जानकारी और अद्भुत जानकारी के साथ फिर से मिलूंगे। तब तक के लिए प्यार भरा नमस्कार।